टी टुगेदर नाम इसका हमने इसलिए रखा है कि बेसिकली हमारी जो स्पेशलिटी है वो चाय है, पराठा, ये हमारी स्पेशलिटी है। और उसके अलावा हमारा बिग माउथ है, और उसके अलावा हमारा डबल पैटी बर्गर है, स्टेक भी है, हम यहाँ पे चला रहे हैं, स्टेक भी हमारा इधर मोस्ट फेमस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जोहर टाउन से DHA से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। हमारी जो स्पेशलिटी है उसमें दो बर्गर है, एक जिंगर बर्गर है जिसे हम क्रिस्पी फ्राइड बर्गर बोलते हैं, दूसरा बर्गर है बिग माउथ बर्गर, उसमें सिंगल पैटी भी जाएगी और उसके साथ हम जिंगर ऐड करते हैं, मतलब दो चीजें उसमें लगती है, 3 लेयर्स में। 5-6 किस्म के चाय। कौन कौन से? शक्कर वाली, कड़क चाय, दूध पत्ती, इलाची वाली चाय, कश्मीरी चाय, तंदूरी चाय। अच्छा, आपने क्या खाया यहाँ से? अभी मैंने शवरमा खाया। ऐसा टेस्ट है यहाँ? जी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, अभी मैंने खाया, माशाल्लाह इनका जायका भी अच्छा है। जी, चाय का टेस्ट बहुत मजेदार है, माशाल्लाह यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और मजा आ रहा है हमें यहाँ पर आकर। जी नाजरीन, इनका जो स्पेशल बर्गर है बिग माउथ वो मेरे सामने आ गया, काफ़ी बिग है ये, काफ़ी अच्छा टेस्ट है और गर्म भी है। ये भी ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसी हैं कैसी नहीं। नाजरीन बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, लाजमी इधर आएँ विज़िट करें। और इनका जो स्पेशल डिश है चाय, चाय के साथ पराठा, पराठे के साथ ये बिग माउथ, और काफ़ी बर्गर, सैंडविच, स्टेक्स वगैरह इनके पास मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेस्ट पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन आज मैं मौजूद हूं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अंदरून 12 दरवाज़ों के अंदर। दाता दरबार की बैक साइड है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट है टी टुगेदर, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस जगह पर इस तरह का थीम, लाइफ क्वाली और उसके साथ साथ इतना अच्छा टेस्ट आपको हम दिखाएँगे, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस रेस्टोरेंट का विज़िट लाजमी कीजिए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको इस रेस्टोरेंट का विज़िट करवाते हैं, इस रेस्टोरेंट के ओनर से मिलवाते हैं कि उनको ये आइडिया कैसे आया, कैसे उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया, और जो जो डिशेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं वो कैसे बनती है, किचन का भी विज़िट करवाएंगे। तो आज ही मेरे साथ चलते हैं। जी नाज़रीन, इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं सैयद हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको ये रेस्टोरेंट ओपन करने का ख्याल कैसे आया और जिस एरिया को इन्होंने चूज़ किया है उसका ख्याल कैसे आया, क्योंकि इस एरिया में इस तरह का रेस्टोरेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट फॉर ऑल मुझे ये बताएं कि आपको ये रेस्टोरेंट ओपन करने का ख्याल कैसे है? बेसिकली हम इस एरिया के ही हैं, इस साथ हमारा घर है, तो मैं हूँ, साथ मेरे दोस्त हैं, हमने हमारा प्लान था कि यहाँ पर कुछ न्यू किया जाए। तो सामने जैसे एज यू नो यूनिवर्सिटी भी है, तो यूनिवर्सिटी का गोल सोच के हमने छोटा सा कैफ़े ओपन किया। तो इंशाल्लाह देखिएगा बाप, जैसे कि आपने विज़िट भी किया है कैफ़े को। ये जो नाम वगैरह इसका, टी टुगेदर नाम है इसका रेस्टोरेंट का? टी टुगेदर नाम इसका हमने इसलिए रखा है कि बेसिकली हमारी जो स्पेशलिटी है वो चाय है, और चाय और पराठा ये हमारी स्पेशलिटी है। सेकेंडली जो इसका नेम हमने रखा है टी टुगेदर, जैसे कि सीटिंग होती है स्पेशल कोई कपल्स के लिए, हाँ कपल्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वो आगे बैठे यहाँ पे इंजॉय करें, अपना टाइम स्पेंड करें, यूनिवर्सिटी से लेक्चर फ्री हो यहाँ आगे बैठे हैं। इसी तरीके से टी टुगेदर मतलब आप इकट्ठे बैठ के इंजॉय करें, टी इंजॉय। फ्यूचर का आपका क्या प्लान है, इस रेस्टोरेंट को आगे लेके चलना है या कोई और गोल्स हैं आपके? बेसिकली मैं खुद IT का स्टूडेंट हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, लेकिन हमारा एक स्टेप था कि हम कुछ नया करें। वो हमें एक फूड की फील्ड में नज़र आया कि आजकल जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने का रुझान, फूड का रुझान बहुत ज़्यादा है, और हमारा इन फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह ये, अभी आपने जैसे इसको देखा है, इंशाल्लाह हमारा प्लान आगे है कि इसको इस एक नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाए। और सामने आपने पार्क देखा, पार्क के अंदर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और वो थोड़ा सीक्रेट है, वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा आने वाले वक्त में पता चले। या बिल्कुल इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट में हर रेस्टोरेंट की अपनी एक स्पेशल डिश होती है, आपके इस रेस्टोरेंट में स्पेशल? बिल्कुल, हमारे जो मोस्ट स्पेशल है वो चाय है, और उसके अलावा हमारा बिग माउथ है, और उसके अलावा हमारा डबल पैटी बर्गर है, स्टेक भी है, हम यहाँ पे चला रहे हैं, स्टेक भी हमारा इधर मोस्ट फेमस हो रहा है। तो उसके अलावा जो चीज़ें आप यहाँ पर लोगों को दे रहे हो, कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, वो यहाँ के कस्टमर्स लाइक करते हैं? बिल्कुल, फर्स्टली तो उनको मतलब टेस्ट उनको करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाया हमने, उनको बताया कि आप ट्राई करें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे ऐसे उनको अच्छा लगना शुरू हुआ, वो आके हमारा इधर एंजॉय करते हैं। मतलब आपने जोहर टाउन और ये गुलबर्ग वाली साइड के लोगों को कहा अब उधर नहीं जाना, यहाँ पर? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जोहर टाउन से DHA से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। सीरियसली? जी बिल्कुल। तो
अब आप हमें क्या टेस्ट करवाएंगे अपने रेस्टोरेंट को, ताकि हम भी अपने व्यूअर्स को बताएं कि भाई DHA जाने की जरूरत नहीं है, अब इधर आए वो। आप हमारा बिग माउथ ट्राई कीजिए, बिग माउथ इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, वो मोस्ट स्पेशल है हमारे यहाँ पे। चलिए नाज़रीन, ये इस रेस्टोरेंट के ओनर मेरे साथ मौजूद थे सैयद हमजा, और अब हम आपको इनके किचन का विजिट करवाएंगे, जहाँ पर इनकी स्पेशल जो डिश ये कह रहे हैं कि यहाँ की सबसे ज़्यादा स्पेशल है चाय, वो दिखाएंगे आपको, और उसके साथ साथ जो यहाँ की स्पेशल डिश बिग माउथ बर्गर है वो भी आपको टेस्ट कर बताएंगे। और आपको पता है कि हम हमेशा से आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स दिखाते रहते हैं, और आपने ये रेस्टोरेंट भी देखा है, और आगे कस्टमर्स के रिव्यू भी देखे हैं कि कस्टमर्स काफ़ी लाइक कर रहे हैं इस जगह को, लाइव क्वालिटी यहाँ पर हो रही है। और इस एक किस्म का ये हम अंदरून के अंदर ही बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अंदरून में ये टच देना एक मतलब रिस्की है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और ये इस रिस्क में कामयाब हो गए और इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, और बाकी अब आपको टेस्ट कर बताएंगे। जनाज़रीन, टी टुगेदर के किचन में मैं मौजूद हूँ, और मेरे साथ यहाँ के शेफ भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब हमें आप क्या बनाकर खिलाओगे अपने किचन से? हमारी जो स्पेशलिटी है उसमें दो बर्गर है, एक जिंगर बर्गर है जिसे हम क्रिस्पी फ्राइड बर्गर बोलते हैं, दूसरा बर्गर है बिग माउथ बर्गर, उसमें सिंगल पैटी भी जाएगी और उसके साथ हम जिंगर ऐड करते हैं, मतलब दो चीज़ें उसमें लगती हैं 3 लेयर्स में, तो इन दोनों में खा लूँगा। हाँ, आप खा लेंगे इजीली, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा बड़ा बंदे बुलाओ दो, नहीं नहीं इजीली कोई मसला। अच्छा मुझे बताओ, आपने ये किधर से सीखा सब कुछ बनाना? ये एक्चुअली आई एम स्टूडेंट ऑफ गौथम, मैं वहाँ से ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन इंटरनेशनल कल्चर। उन्होंने शेफ लोकल नहीं रखे हुए? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वहाँ पे, सो दैट्स वे मुझे एज आ एक इंटर्नशिप भी करनी थी, लेकिन मैंने इससे पहले मैं जेदी रेस्टोरेंट पे काम कर चुका हूँ, एज अ शेफ ही, एज अ शेफ मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन उसके बाद कुछ जानने वाले थे, कुछ भाई आप जैसे, जिन्होंने मुझे यहाँ का रेफर किया और मैंने ये होल्ड। तो आप हमें बिग माउथ बना कर दिखाएंगे भी और खिलाएंगे? बिल्कुल, मैं चलें फिर आप स्टार्ट करें। कौन सी चाय बना रहे हम? शक्कर वाली चाय। शक्कर वाली, कितने किस्म की चाय बना ले? 5-6 किस्म की चाय। कौन कौन सी? शक्कर वाली, कड़क चाय, दूध पत्ती, इलाची वाली चाय, कश्मीरी चाय, तंदूरी चाय, वो चॉकलेट वाली, और वो जो सबस चाय होती है वो भी बना रहे। अच्छा, तो ये जो ट्रक अड्डे में चाय चलती है फुल कड़क, जिसको पीने के बाद नींद नहीं आती, वो भी बना? हाँ जी, कड़क चाय। कड़क चाय, कितनी देर हो गई है काम करते? 13 साल हो गए। 13 साल, तो इधर कैसे कस्टमर आते हैं? बहुत अच्छे आते हैं, बहुत तारीफ करके जाते हैं, चाय मज़ा आता है, मज़ा आता है लोगों काम करने का कि कस्टमर देखने का? काम करने का मज़ा आता है। अच्छा जी, तो हमें आपने चाय पिलानी है या नहीं पिलानी? आपको पिलाते हैं ना चाय स्पेशल बनाते हैं आपके लिए, बन रही है ना। जनाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से खाना खाया, इनसे बात करते हैं कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जान, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने क्या खाया यहाँ से? अभी मैंने शवारमा खाया। शवारमा खाया, कैसा टेस्ट है यहाँ? बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, अभी मैंने खाया, माशाल्लाह इनका जायका भी अच्छा है, और ये इनकी केचप भी जो इसका उसका भी जो सोस वगैरह ना सर एक नंबर। और जो इधर का एनवायरनमेंट है और लाइफ क्वालिटी हो रही है, ये कैसा लगा? ये भी बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। ऐसी एरिया में इस तरह की जगह पहले आपने कभी विजिट किया? कभी नहीं देखी मैंने ये जगह, ज़्यादातर डिफेंस या मार्टों गुरबरक में, ऐसी मैं इस एरिया में ऐसी जगह कहीं नहीं है। फर्स्ट टाइम आने इस एरिया में ऐसी जगह देखी? जी जी। नाज़रीन, ये शहरी थे जिन्होंने यहाँ से शवारमा खाया और इनको यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा, बाकी कस्टमर से जानेंगे और आपको खुद भी टेस्ट कर बताएंगे कि यहाँ का कैसा टेस्ट है। आ जाए मेरे साथ। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? किधर से आए हो? दरबार। दरबार पास से ही आए हो? जी। अच्छा, कैसा टेस्ट है चाय का? आप पी रहे हो बड़े मज़े से। जी, चाय का टेस्ट बहुत मज़ेदार है। मज़े का जो इधर का एनवायरनमेंट है, क्वालिटी हो रही है, आग में आप बैठे हुए हो, सर्दी इंजॉय कर रहे हो, कैसा सीन लग रहा? बहुत प्यारा सीन है, ये पहली दफ़ा ये हो रहा है हमारे साथ,
माशाल्लाह यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर आकर। दोबारा एरिए में इस तरह की जगह आपने पहले कभी विजिट की है? नो। कहाँ पर जाते हो इस तरह का एनवायरनमेंट आप देखने के लिए? जोर टोन जाते हैं हम चाय क्वाली, वहाँ पर भी है, पर यहाँ का भी माहौल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। मतलब अब आपको जोहर टाउन जाने की जरूरत नहीं है, आपने पैदल दरबार से आना और इधर आ जाना। तीन कदम यहाँ से यहाँ पर है, ये छह हमारे लिए जी, यहाँ से ही घर। ना माँ बाप को टेंशन, ना हमें टेंशन, और ना बाइक चलाने की टेंशन। सर्दी है, तेल भी बच गया, तेल भी बचा, हर चीज बच गई। फुल एंजॉय। शुक्रिया। नाज़रीन, इनका जो स्पेशल बर्गर है बिग माउथ, वो मेरे सामने आ गया। काफ़ी बिग है ये, अब पता नहीं मैं खाऊंगा कैसे इसको। तो आपको टेस्ट कर बताते हैं कि कैसा टेस्ट है और आपको यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट है और गर्म भी है, और उसके साथ साथ ये इन्होंने पता नहीं कौन सी स्टिक्स हमें दे दी हैं, ये भी ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसी हैं कैसी नहीं। नाज़रीन बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, और बार बार मेरी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसे एरिया में इस तरह का रेस्टोरेंट और इस तरह का टेस्ट देना बहुत बड़ी बात है। ये उम्मीद वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं इनके रेस्टोरेंट का विज़िट करना तो एड्रेस आपको मैंने इंट्रो में बता दिया, लाजमी इधर आएँ विज़िट करें। और इनका जो स्पेशल डिश है चाय, चाय के साथ पराठा, पराठे के साथ ये बिग माउथ, और काफ़ी बर्गर सैंडविच स्टेक्स वगैरह इनके पास मौजूद हैं। और चाय टुगेदर पर लाजमी विज़िट करें, टी टुगेदर, चाय टुगेदर एक ही बात है। और टेस्ट पाकिस्तान को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।